एक ही भाई था। साला मोहम्मद मुबशर 10वीं जमात का तालिब इल्म और 7 बहनों का अकलौता भाई था। माँ बाप की आंख का तारा और घर भर का लाडला। माँ की वो आंखें जिनमें कभी मुबशर की शादी के ख्वाब सजे थे, आज अपने अकलौते बेटे की मैयत देखकर पुरनम है। आंसू हैं कि थमते ही नहीं। और सातों बहनें जिनके सारे मान अकलौते भाई से वाबस्ता थे, नोह कना है अपनी बदनसीबी पर कि एक ही भाई मिला और वो भी डेगी का शिकार हो गया। सदमे की शिद्दत से माँ बेहाल है तो बाप की गोया कमर ही टूट गई। मुबशर के लवाहिकीन कहते हैं कि वो उसको मजंग अड्डा पर वाकिया फैमिली अस्पताल ले गए थे और डॉक्टर्स की गफलत ने इनका सहारा छीन लिया। कोई उनका ट्रीटमेंट जो उनसे सही नहीं है, डॉक्टर आ रहे 24 घंटे बाद आ रहे हैं, कोई भी पेशेंट की केयर नहीं है, इमरजेंसी के डॉक्टर आते नहीं है, उनका स्टाफ आ जाता है, वो भी क्या कहते हैं उनको बुला बुला कर कहना पड़ता है कि पेशेंट को देख लें आकर। एक ही भाई था मेरा, एक ही भाई था। मुझे इतना पता है कि पांचों वक्त की नमाज पढ़नी, मोहल्ले में किसी बच्चे के साथ आना जाना नहीं, अपने काम से काम। अभी उसके टीचर भी आए थे, वो भी यही अल्लाह के हुक्म से, और पूरा मोहल्ला भी, मैं नहीं, पूरा मोहल्ला उसके लिए, चाहे मैं किसी से बात मुखालफत रखता हूँ, उसके साथ बच्चे के साथ कोई मुखालफत नहीं रखता। ये है कि ये कातलों का अस्पताल है, अस्पताल नहीं है, उसमें से क्या होता है। इन्होंने हमारे साथ जो सब किया है वो अच्छा नहीं किया। मुबशर के घर वाले तो एक तरफ, इसके हमसाए भी गमजदा दिखाई देते हैं। का कहना है कि मुबशर बड़ों का एहतराम करने वाला और छोटी सी उम्र में ही 5 वक्त का नमाजी था। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा था और कोई बड़ा छोटा मिलता था सलाम के बगैर नहीं जाता था। वो कभी आज तक इसकी किसी किस्म की किसी बच्चे के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़े की शिकायत भी नहीं है। वो नहायत अच्छा नमाजी परहेजगार बंदा था। अपने घर से नमाज पढ़ने गया या स्कूल कॉलेज गया, अपने घर आ गया, इससे ज़्यादा कोई इसका कोई लेन देन कोई मसला ऐसा नहीं था। ये बच्चा जो बहुत बीमार था, इसकी बहुत हालत कल ख़राब थी, 24 घंटे बाद डॉक्टर आता है, कोई बात नहीं सुनता, हमने बोलते हैं तो आगे से गुस्सा करते हैं डॉक्टर, हमारे से गुस्सा होते हैं। ये बच्चे की बहुत हालत ख़राब थी, उन्होंने पहले तो कुछ बताया ही नहीं है और एंड पे बताया जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो। मुबशर की नमाज जनाजा चुबुर्जी क्वार्टर्स ग्राउंड में अदा की गई, जिसके बाद मैयत को तदफीन के लिए बंद रोड कब्रिस्तान ले जाया गया। मुबशर की मैयत देख कर हर आँख पर नम नजर आई। सब एक ही सवाल करते दिखाई दिए कि आखिर ये वबा कब खत्म होगी, कब शहर से खौफ के बादल छटेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ आसिम भट्ट, सिटी 42।